एक मुसलमान अगर गोश्त बेचता है तो उसे टॉर्चर किया जाता है, जेल में डाला जाता है, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली जाती है। और ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ गाय की मोहब्बत में। लेकिन इसके बावजूद भी कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोश्त का सप्लायर है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात कि भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज गोश्त को दूसरे देशों में सप्लाई करती हैं, उन कंपनियों के मालिक भाई साहब खुद हिंदू हैं, जो अपने फायदे के लिए हजारों लाखों जानवरों को, जिनमें गाय भी शामिल है, उन्हें काट कर बेच देते हैं। अब चलिए दो चार हिंदुओं के नाम भी गिना ही देता हूँ जो काफी बड़े लेवल पर हलाल बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लिसियस भाई मोहनदास, अल कबीर एक्सपोर्ट भाई सतीश अग्रवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट भाई सुनील कुमार, अलनूर फूड्स भाई सुनील सूद। अब ये सारे लोग हिंदू हैं जो गोश्त बेचते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जाता है।